Hey guys, I am Brijal Nathwani from VMB College. Today we are going to learn the chapter An Astrologer's Day by R. K. Narayan. R. K. Narayan is a legendary and has written Malgudi Days too. R. K. Narayan, Rasipuram Krishna Swami Ayer Narayan Swami, was one of the best known novelists among Indian English writers. ये एक बहुत ही अच्छे नॉवेलिस्ट है फ्रेंड्स दिस इज़ वेरी शॉर्ट स्टोरी एंड देर आर नो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी देर आर ओनली टू मेन कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी बट द मैसेज डेलीवर्ड थ्रू दिस स्टोरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो हेलो स्टूडेंट्स लेट अस बिगिन एन इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे पंक्चुअली एट मिट डे ही ओपनड हिज बैग एक एक्स्ट्रोलॉजर पंक्चुअली राइट टाइम पर अपना बैग ओपन करता है एंड स्प्रेड आउट हीज प्रोफेशनल इक्विपमेंट और जहाँ वो मार्केट में बैठता है वहाँ अपने बैग में से कुछ इक्विपमेंट कुछ सामान निकालता है विच कंसिस्टेड ऑफ अ डजन कावरी शेल्स अ स्क्वेयर पीस ऑफ क्लॉथ विथ ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट ऑन इट अ नोटबुक एंड अ बंडल ऑफ पालमीरा राइटिंग्स जिसमें कुछ डजन भर कौड़ियाँ थी एक स्क्वेर पीस ऑफ क्लॉथ था विथ ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट्स यानि जो चार्ट समझ में नहीं आते मिस्टिक एक नोटबुक था एक बंडल ऑफ पालमीरा राइटिंग्स पालमीरा राइटिंग्स मीन्स समथिंग रिटर्न ऑन द लीव्स ऑफ द पाम ट्रीज हेज़ फोर हेड वॉज रिस्प्लेंडेंट विथ सैक्रेट एश एंड वर्मिलियन। उस ज्योतिष ने अपने माथे पर रिस्प्लेंडेंट। रिस्प्लेंडेंट मीन्स अ वेरी ब्राइट डार्जलिंग एंड इम्प्रेसिव ऐसी कोई भभूत और चंदन लगाया था एंड हीज़ आईज स्पार्कल्ड विथ अ शार्प एबनॉर्मल ग्लीम विच वॉज रियली एन आउटकम ऑफ अ कंटिन्यूल सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर्स सो so, कंटिन्यूसली वो अपने कस्टमर्स के लिए देख रहा था बट विच हिज सिंपल क्लाइंट्स टुक टू बी अ प्रोफेटिक लाइट एंड फेल्ट कम्फर्टेड उसके सामने जो क्लाइंट्स आते थे वो बहुत ही सिंपल होते थे क्लाइंट्स को लगता था कि ये बाबा बहुत ही सच्चाई से हमें कुछ बताएंगे और सभी क्लाइंट्स उनके पास बहुत कंफर्टेबल फील करते थे द पावर ऑफ हिज आईज वॉज़ कंसिविबली एनहांस्ड बाई देर पोजिशन प्लेस्ड एज दे वर बिटवीन द पेंटेड फोर हेड एंड द डार्क विस्कर्स विच स्ट्रीम्ड डाउन हिज चिक्स इसका मतलब है कि वो जो एस्ट्रोलॉजर था वो दिखने में थोड़ा अच्छा था उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी और डार्क विस्कर्स विस्कर्स यानी जो उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी इवन अ हाफ विट्स आइज वुड स्पार्कल इन सच अ सेटिंग यानी अगर किसी भी तरह से कोई मंदबुद्धि का आदमी होता और उसे इस तरह की वेशभूषा की होती तो ऐसे मंदबुद्धि आदमी को ऐसी वेशभूषा से वह भी ज्योतिष लगता था और उसकी भी आंखें इस तरह से पावरफुल दिखाई दे सकती थी टू क्राउन द अफेक्ट ही अ सेफ्रॉन कलर टर्बन अराउंड हीज हेड तो उस एस्ट्रोलॉजर ने अपने सर के ऊपर पगड़ी पहनी हुई थी सेफ्रॉन कलर की धिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड तो इस तरह से उसका जो पहनावा था माथे पे पगड़ी थी और फोरहेड पे उसने ऐश लगाई हुई थी और दाढ़ी थी तो इस तरह से उसका जो कलर स्कीम है वो कभी भी फेल होता नहीं था और लोगों को आकर्षित करता था पीपल वर अट्रैक्टेड टू हिम एज बीज आर अट्रैक्टेड टू कॉस्मोस और डहलिया स्टॉक लोग उस पर इस तरह से अट्रैक्ट होते थे जैसे कि मधुमक्खियाँ फूलों के तरफ अट्रैक्ट होती बॉक्स ऑफ अडिंग टैमरिड ट्री विच फ्लैंक् टाउन हॉल पार्क वह ज्योतिष उसके नीचे बैठा हुआ है और वो जाड़ की जो टहनिया है वो पसरी हुई है इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन ways. वेज surging क्राउड वॉज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो रोड फ्रॉम मॉर्निंग ट नाइट वो टाउन हॉल पार्क के रास्ते पे बहुत गर्दी होती थी सुबह से शाम तक दिन भर लो, लोगों का आना जाना शुरू रहता था अ वाइटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेश वॉज रिप्रेजेंटेड ऑल अलॉन्ग इट्स वे मेडिसिन सेलरस सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक मैजिशियंस एंड अबाव ऑल एंड ऑप्शनर ऑफ चीप क्लोथ हु क्रिएटेड इनफ डीन ऑल डे टू अट्रैक्ट द होल टाउन वहाँ पर सभी सभी अलग 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 टाइप के ऑक्यूपेशंस वाले जो ठेले वाले होते थे वो सब वहाँ अपना सामान बेचने आते थे जैसे कि मेडिसिन सेलर है फिर हार्डवेयर जो चुराए हुए हार्डवेयर रहते हैं जो जंक खाए हुए हार्डवेयर्स होते हैं ऐसे लोग मजिशियंस और साथ साथ में जो बहुत ही सस्ते कपड़ों का ऑक्शनर करते हैं ऐसे लोग ये सब चीज़ों से दिन भर वह टाउन अट्रैक्ट ऐसे लोगों से घिरा हुआ रहता था नेक्स्ट टू हिम इन वैसी फेरसनेस केम अ वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट हुव हिज वेयर अ फैंसी नेम ईच डे कॉलिंग इट बॉम्बे आइसक्रीम वन डे एंड ऑन द नेक्स्ट डेली आलमंड एंड ऑन दर्ड राज डेलीकेसी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ एंड पीपल फ्लॉक्ट टू हिम कभी कभी वहाँ पर एक भुनी हुई मूँगफली बेचने वाला आता था और ज़ोर ज़ोर से कोई ना कोई रोज़ नई नई अपने ठेले को आवाज़ देकर कभी कहता था बॉम्बे आइसक्रीम कभी सेकेंड डे नाम देता था दिल्ली आलमंड थर्ड डे कहता था राजेलीसी इस तरह से अलग अलग नाम से वो अपनी मूँगफलियाँ बेचता था अ कंसीडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड डैलीड बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू मूँगफली वाले के पास की जो गर्दी होती थी उसमें से कुछ गर्दी एस्ट्रोलॉजर के इर्द गिर्द भी घूमती थी डैलीड ने जो अपना टाइम वेस्ट करते थे इधर उधर घूमने से द एस्ट्रोलॉजर ट्रांजेक्टेड हिज बिजनेस बाई द लाइट ऑफ अ फ्लेयर विच क्रैकल्ड एंड स्मोक्ट अप अबाव द ग्राउंड नट हीप नियर बाय एस्ट्रोलॉजर भी अपना बिजनेस वहीं ग्राउंडनट की जो ढेर लगा हुआ था हिप लगा हुआ रहता था उसके नीचे जो आग जल रही होती थी उसी से अपना काम चला लेता था विद द लाइट ऑफ अ फ्लेयर हाफ द एन्चांटमेंट ऑफ द प्लेस वॉज ड्यू टू द फैक्ट दैट इट डिड नॉट है बेनिफिट ऑफ मुंसिपल तो जहाँ वह ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर बैठता था वहाँ पर कोई मुंसिपल लाइटिंग की फैसिलिटी नहीं होती थी द प्लेस वॉज अप बाय शॉप लाइट्स जो बाजू जो शॉप होती थी उसी की लाइट से वो प्लेस को लाइट मिलती थी जहाँ एस्ट्रोलॉजर बैठता था वन और टू हैड हिसिंग गैस लाइट्स एक या दो लोगों के पास कोई गैस लाइट्स होती थी सम हैड नेकेट फ्लेयर्स स्टक ऑन पोल्स सम वर लिटअप बाई ओल्ड साइकिल लैम्पस एंड वन और टू लाइक द एस्ट्रोलॉजर मैनेज विदाउट लाइट्स ऑफ देयर ओन कोई लोग पोल पर मशाल लगा कर लाइट यूज़ करते थे कोई कोई अपनी पुरानी साइकिल लैम्प्स की लाइट यूज़ करते थे और एक दो जो एस्ट्रोलॉजर के जैसे होते थे वो बिना लाइट के ही चला लेते थे वॉज अ बी विडरिंग क्रिसक्रॉस ऑफ लाइट रेज एंड मूविंग शेडोज बी विडरिंग मीन्स जो वो बहुत ही अचंबित करने वाली जगह थी वहां जो लाइट्स आ रही थी उसका कुछ अलग ही क्रिसक्रॉस पैटर्न रेडी हुआ था वी कैन से दैट दैट प्लेस वॉज लुकिंग वेरी मेराक्यूलस और कंफ्यूजिंग धेज स्यूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल और इस तरह का माहौल जो था वो एस्ट्रोलॉजर को बहुत सूट होने वाला जैसा था फॉर द सिंपल रीज़न दैट ही हैड नॉट इन द लीस्ट इंटेंडेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर व्हेन ही बिगैन लाइफ के जब उसने अपने जीवन में कुछ सोचा करने का तो उसने सोचा भी नहीं था कि वो एस्ट्रोलॉजर बनेगा व्हेन ही बिगैन हीज लाइफ एंड ही न्यू नो मोर ऑफ वॉट वॉज गोइंग टू हैप्पन ऑफ अदर्स देन ही न्यू वॉट वॉज गोइंग टू हैपन टू हिमसेल्फ नेक्स्ट मिनट जबकि उसे पता ही नहीं था कि अगले ही मोमेंट में दूसरे लोगों के साथ क्या होने वाला है इवन अगले ही क्षण उसके साथ क्या होने वाला है इसे भी उसका कोई अंदाज़ा नहीं था एज ही वॉज मच अस्ट्रेंजर टू द स्टार्स एज वर हीज इनोसेंट कस्टमर्स जैसे कि उसके कस्टमर्स को उनके भविष्य के बारे में कुछ नहीं पता था वैसे ही ये एस्ट्रोलॉजर को भी कुछ पता नहीं था येट ही सेड थिंग्स विच प्लीज एंड एस्टॉनिश्ड एवरी वन लेकिन वो अपने कस्टमर्स को जो भी बताता था उससे उसके कस्टमर प्लीज हो जाते थे और एस्टॉनिश्ड हो जाते थे आश्चर्यचकित हो जाते थे दैट वॉज मोर अ मैटर ऑफ स्टडी प्रैक्टिस एंड श्रीड गेस वर्क वो लोगों के बारे में गैसिंग करने में जज करने में बहुत ही अच्छा था श्रीउड मीन्स गुड एट जजिंग पीपल वो बहुत ही चतरा था कभी कभी कुछ बताना होता था तो कभी तुक्का भी लगा लेता था कभी कुछ सही बातें भी बता देता था इससे उसके कस्टमर उससे संतुष्ट हो जाते थे ऑल द सेम इट वॉज एज मच एंड ऑनेस्ट मैनस लेबर एज एनी अदर एंड ही डिजर्व द वेजेस ही कैरीड होम एट द एंड ऑफ द डे तो इस तरह से उसका काम भी एक बहुत ही श्रम करने वाला काम था और इससे वो डिजर्व भी करता था जो भी पैसे वो कमाता था उसे आखिरी में घर ले जाना तो अब हम देखेंगे कि वो एस्ट्रोलॉजर था वो इस फील्ड में कैसे आया ही हैड लेफ्ट हिज विलेज विदाउट एनी प्रीवियस थाट और प्लान जब उसने घर छोड़ा था तब उसके मन में कोई ऐसा थॉट नहीं था या प्लानिंग नहीं थी कि मैं एस्ट्रोलॉजर बनूंगा इफ़ ही हैड कंटिन्यूड देर ही वुड हैव कैरीड ऑन द वर्क ऑफ हिज फोर फादर्स नेमली टीलिंग द लैंड लिविंग मैरिंग एंड राइपनिंग इन हिस्स कॉर्नफील्ड एंड एनसेस्ट्रल होम वो गांव नहीं छोड़ता था तो वह अपने दादा परदादाओं का काम ही आगे चलाता था जैसे कि टीलिंग द लैंड है मैरिंग है या अपने खेतों में काम करना और अपने पूर्वजों के मकान में रहना बट दैट वॉज नॉट टू बी ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनी वन एंड ही कुड नॉट रीसेट टील ही लेफ्ट इट बिहाइंड अ कपल ऑफ हंड्रेड माइल्स लेकिन ऐसा होना ही नहीं था ऐसी कुछ बात हुई जिसे उसे अपना घर छोड़ना पड़ा किसी को बिना बताए ऐसे हंड्रेड माइल्स वो अपना गांव छोड़कर निकल गया टू अ विलेजर इट इज़ अ ग्रेट डील एज इफ एन ओशन फ्लोट बिटवीन यहाँ ओशन का मतलब कि एस्ट्रोलॉजर एट प्रेजेंट जहाँ रह रहा है और उसका गांव, दोनों के बीच में काफ़ी फासला है ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में बहुत बड़ा समुद्र बह रहा है

तो वो सही हो जाता था क्योंकि उसे बहुत अनुभव आ चुके थे विद इन फाइव मिनट्स ही अंडरस्टूड वॉट वॉज रॉन्ग पाँच ही मिनट में वो समझ जाता था कि क्या गलत हो रहा है मैरिज मनी एंड द टेंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज उसने ये देखना शुरू कर दिया कि शादी होती है और फिर शादी के बाद में कभी पैसे का प्रॉब्लम आता है कभी लोगों की जो रिश्ते हैं वो वो उलझ जाते हैं तो इन सब चीज़ों का एनालिसिस जो आदमियों के सामने मुश्किलें आती है इन सब चीज़ों का एनालिसिस करना उसने शुरू कर दिया वो एस्ट्रोलॉजर ने ही चार्ज थ्री पाइस पर क्वेश्चन जो कस्टमर्स आते थे उसके पास में वो उनको एक क्वेश्चन के तीन पाइस चार्ज करता था वी आर मूविंग टूअर्ड पेज फोर नेवर ओपन हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट टेन मिनट्स जब कोई भी कस्टमर उसके पास आता था तो पहले पूरी उनकी बातें अच्छे से सुन लेता था और दस मिनट तक कुछ भी बोलता नहीं था विच प्रोवाइडेड हिम इनफ स्टफ फॉर अ डजन आंसर्स एंड एडवाइसिस जिससे उसे उससे कस्टमर जो भी पूछते थे उसे आंसर देने के लिए बहुत सारे आंसर्स और सवाल और एडवाइसेस मिल जाते थे वेन ही टोल्ड द पर्सन बिफोर हिम गेजिंग एट हिस्स पाम इन मैनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट फॉर यूर एफर्ट्स जब लोगों के हाथों के तरफ ताकता हुआ वो लोगों से कहता था या कस्टमर से कहता था कि तुम जितनी मेहनत कर रहे हो उसका पूरा रिज़ल्ट तुम्हारी मेहनत का पूरा रिज़ल्ट तुम्हें नहीं मिल रहा नाइन आउट ऑफ टेन वर डिस्पोज्ड टू एग्री विथ हिम दस में से नौ लोग उसकी ये बात से सहमत हो जाते थे और ही क्वेश्चन इज़ देर एनी वुमन इन योर फैमिली या कभी कभी तो वो उनसे क्वेश्चन भी पूछ लिया करता था कि क्या तुम्हारे फैमिली में कोई औरत है मे बी इवन अ डिस्टेंट रिलेटिव हु इज़ नॉट वेल डिस्पोज्ड टूवर्ड्स यू या कोई ऐसी औरत जो बहुत दूर के रिश्ते में भी लगती हो जो तुम्हारा भला न चाहती हो और ही गेव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर या कभी कभी कहता था कि बहुत सारी मुश्किलें तो तुमको तुम्हारे स्वभाव के कारण ही भुगतनी पड़ रही है हाउ कैन यू बी अदरवाइज विथ सैटर्न वेर ही इज़ वो आगे कहता है कि तेरे घर में राहु कैसे बैठ सकता है हाउ इट इज़ पॉसिबल ये सब तेरे नेचर के तेरे स्वभाव के कारण हो रहा है यू हैव एन एम्पेटस नेचर एंड अ रफ एक्सटीरियर कहता है कि तुम्हारा जो स्वभाव है वो बहुत एम्पेटियस है इम्पलसिव है और बहुत रफ़ भी है दिखने को भी बहुत रफ दिखता है हिज एंडियर हिम टू हिज हार्ट्स इमीडिएटली और इससे उसका हार्ट बहुत ही एंडियर हो गया यानी मेड लाइकेबल फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ़ अस लवस टू थिंक दैट ही हैज़ अ फोर बीडिंग एक्सटीरियर ऐसा कहने पर कोई भी ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि मेरा स्वभाव ऐसा कैसा हो गया है ये कैसा क्या कह रहा है और ये सभी जनरल बातें वो लोगों से कहता था और इस तरह से सभी लोग उनके तरफ अट्रैक्ट होते थे सो दिस इज़ द एंड ऑफ पार्ट वन The remaining portion we will see in the part two. Thank you, students.